अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज बर्नॉली बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बोलते हैं एक्स फॉलोज बर्नॉली विथ पैरामीटर पी विथ पैरामीटर पी पहले सुन लो जिस भी क्वेश्चन में दो पॉसिबल चॉइसेस हों जैसे या तो आज आप क्लास में आओगे या नहीं आओगे इसको मैं आ, मुझे नंबर से बताना है तो अगर क्लास में आओगे तो असाइन द वैल्यू वन नहीं आओगे तो असाइन द वैल्यू जीरो आप मेल हो या फीमेल इसको मेरे को नंबर में बताना है इफ यू आर अ मेल वी असाइन द वैल्यू वन फीमेल वी अच्छा वन और जीरो असाइन करने के पीछे क्या करना है द एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट जो होता है जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं तो आपको वन वैल्यू दूंगा तो अगर आपको वन दे दूसरे को क्या दूंगा ऑटोमेटिकली जीरो इंडिकेटर फंक्शन है इंडिकेटर तो या या तो वैल्यू वन है है हेड टेल इसको नंबर बताना इफ हेड्स इट्स वी आर डूइंग दिस रैंडम वेरिएबल की जब मैंने शुरुआत की थी मेरे बच्चों मैंने कहा था वी आर इंटरेस्टेड इन न्यूमेरिकल रिजल्ट हम हर चीज को न्यूमेरिकली देखना चाहते हैं कि नहीं अब आदर यूर मैरिड और अनमैरिड विडोड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं ना तो यहां दो चॉइसेस मैरिड विडोड अनमैरिड ऐसे हो सर डिवोर्स चार चॉइसेस आ गई तो ऐसे में नहीं काम करेगा ये ये काम, -काम करेगा जहां सिर्फ चॉइस दो रोलिंग डाइस या तो छ आएगा या नहीं आएगा तो छे आएगा वी विन द वैल्यू वन नहीं आएगा वी साइन द वैल्यू इसको वन और जीरो को इंडिकेटर फंक्शन भी बोला जाता है क्या बोला जाता है लास्ट ईयर तुमने क्लेम लिया तो वैल्यू वन नहीं लिया तो वैल्यू सो यस लेकिन तो पहले मैं पहले बात बता दूं क्योंकि लिखूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा इसे बर्नॉली एक साइंटिस्ट का नाम था उसके नाम पे है और बर्नॉली साइंटिस्ट ने एक वर्ड इजाद किया है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इंडिपेंडेंट जैसे रानू श्रिया नहीं आप शारवी ऋतिक ऐसे हर बच्चा अपना अपना क्वाइंट टॉस करता है तो हर किसी का टॉस इंडिपेंडेंट है ना एक के टॉस से दूसरे टॉस पे कोई फर्क अब रानो ने टॉस किया या तो हेड आएगा या नहीं थे। तो बर्नौली ट्रायल होगी ना कितने टॉस किए इसने एक जब भी करेगी एक ही टॉस होगा देख लो चाहे जब भी करेगी कितने टॉस होंगे एक अरे है कि नहीं तो जब भी आप कोई ट्रायल करते हैं आपने एग्जाम दिया पास या फेल तो बर्नॉली ट्रायल हुई ना अरे है कि नहीं तो हाँ आप अकाउंट खुलाने गए बैंक में ये तो खुलेगा या नहीं खुलेगा ये पैसे विड्रॉ होंगे नहीं हो वट एवर इट इज जहां पर सक्सेस फेलियर ट्रू फॉल्स डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव इस तरह की दो पॉसिबल चॉइसेस होती हैं वहां पर इन अ सिंगल ट्रायल बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन लगता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगता है और बेटा ईट एक ईट ईट से दीवार बनती है एक एक ईट से दीवार बनती है बूंद बूंद से घड़ा बनता है एक एक ट्रायल कर रहे हो तभी तो बर्नौली ट्रायल हुई ना सबकी अब इस क्लास के अंदर ध्यान से सुनना हर बच्चा अपना अपना कॉइन टॉस कर रहा है तो हर बच्चे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बर्नौली यह हेड आएगा टेल आएगा और हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है कि नहीं लेकिन पूरी क्लास में ये कॉइन कम से कम पंद्रह बार टॉस हो गया

फिक्स्ड तो बर्नौली में ट्रायल कितने फिक्स्ड होती हैं वन और सक्सेस क्या हो सकती है जीरो या वन आ भी सकती है और अभी बाइनोमिल में ट्रायल फिफ्टीन होगी ना दैट सिंगल ट्रायल इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स अ बाइनोमिल डिस्ट्रीब्यूशन अब पंद्रह में से पंद्रह के पंद्रह हेड आएंगे क्या जीरो भी आ सकते हैं वन भी टू भी तो सक्सेस इज रैंडम वेरिएबल ट्रायल्स फिक्स्ड होगी पंद्रह पर रैंडम वेरिएबल क्या है सक्सेस तौर पे बात समझ में आई आ में तो जब भी बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है इक्वल प्रोबेबिलिटी पी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की क्या है? P होती है बेटा पी होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं कैसे इवेंट्स होते हैं बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कैसे लिखते हैं देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन और जीरो पी हेड्स ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको या ऐसे यहां लिख देते हैं यहाँ प्रोबैब लिख देते हैं यहाँ नंबर लिख देते हैं पी और वन माइनस पी वेन एक्स इज इक्वल टू वन वेन एक्स इक्वल टू वॉट वन रिप्रेजेंट्स रेप्रेजेंट सक्सेस एंड जीरो रिप्रेजेंट्स द फेलियर क्या सक्सेस फेलियर की बात हो रही है कि नहीं हो रही बताइए यहां पर या और ट्रायल कितनी है मैक्सिमम एक एक या तो टॉस करोगे या टॉस नहीं करोगे क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं फिर से देखो बेटा देखो जरा एक्स को जीरो रखो क्या वन माइनस पी आया एक्स को वन रखो अरे पी आ गया ना एक ही बात है ना इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो बात एक ही है कि नहीं बताइए अच्छा अब आपको बोलता है एग्जामिनर कि मुझे इसका मीन चाहिए तो बताओ ट्रायल्स क्या है हमारे पास यह पर या तो जीरो या और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर ये वन माइनस पी है ये सक्सेस होगी ना बेटा टोटल पोल्टी क्या आ रही है अब मीन निकालना होता है तो एक्स इंटू पी एक्स करते हैं ना मेरे बेटा तो जीरो इंटू पी आंसर इज पी आया कि नहीं बताओ yes, अगर वेरियंस निकालते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा बेटा तो फिर से पी आ गया ना एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर भी तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का तो कैन आई राइट पी माइनस पी स्क्वायर कैन पी बी आउट अरे वही सक्सेस फेलियर की बात कर रहा है बहुत सिंपल है बेटा तो बहुत काम आएगा कैसे पहचानोगे टू पॉसिबल चॉइसेस होंगी सक्सेस फेलियर ट्रू फॉल्स एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ क्या जब भी एक्सीडेंट होता है आप क्लेम करते हो आपको लगता है ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ तभी क्लेम करोगे ना बेटा तो एक्सीडेंट होने के बाद क्लेम करे ऐसा जरूरी ये तो क्लेम किया क्लेम नहीं किया तो बर्नौली ट्रायल हुआ ना एक बार में दो एक्सीडेंट हो सकते हैं एक टाइम पे दो डेथ हो सकती है यदि डेथ हुई या नहीं तो जीरो वन आ गया अरे ठीक है तो अ ट्रायल अ ट्रायल पिछले वाले भी जाऊं पहले ट्रायल फिक्स्ड वन बेटर वन क्या बेटा अच्छा सक्सेस इज रैंडम वेरिएबल मतलब सक्सेस जीरो भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती तो बनौले में ट्रायल फिक्स है ना बेटा हो गया यहां तक समझ में आ गया बेटा तो मीन वेरिएंस ये आ गया बेटा है ना आपने ये के है सर। क्या ना पड़ेगा पिछली क्लासेस का यार उस 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 नहीं नहीं। इन वीडियो रिकॉर्ड करने एक तो सुख हो गया कि बैकअप नहीं देना पड़ता पहले क्या होता था फिर मैं आ नहीं पाया थोड़ा सा बैकअप दे तो बता दो एक घंटा पहले बुला लो बहुत ऐसा होता था अब बच्चों पास सुविधा ज़्यादा हो गई ऑनलाइन नहीं आप घर से कर लिया वीडियो देख लिया अब पहले क्लासेस कैंसिल करने के रीजन्स होते थे ट्रैफिक है लेट हो गया ना आज कल क्लासेस कैंसिल करने के रीजन होते हैं कि लाइट नहीं है इंटरनेट नहीं है नहीं बेड़ें बेड़ें चार्ज खत्म हो गया बेटा यहां तक तो बर्नौली हाँ इधर देखिए सॉरी <laughs> क्या लग रहा है क्या बना रहा हूंगा है यस yes, बेटा दिस इज अ वॉल, दिस इज अ ब्रिक, ये है आपका बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन यस बेटा मैंने तो बताया था आपको एक एक ईट से घर बनेगा आप तो वो एक ईट हर ट्रायल एवरी ट्रायल इज अ बर्नॉली ट्रायल इफ दैट ट्रायल इज रिपीटेड एन टाइम्स इंडिपेंडेंटली इट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन आई राइट गाइज कैन आई राइट हेयर इज वॉट इज यस ना बेटा yes, और मैं तो लिख दिया सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज वास्तव में बर्नॉली कई लोग यहां बीच में वर्ड इंडिपेंडेंट घुसा देते हैं अरे बर्नौली का मतलब इंडिपेंडेंट होता है ऐसा यूज किया गया बर्नौली ट्रायल वर्ड क्या यूज किया गया बर्नौली तो जब भी बर्नौली ट्रायल भी यूज किया इसका मतलब है इंडिपेंडेंट ट्रायल सो so, बर्नौली इज अ वर्ड विच इज सिनोनिमस टू इंडिपेंडेंट ठीक है जैसे एक ईट दीवार के लिए है वैसे ही बर्नौली बाइनोमिल के लिए है इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे ये नहीं पता एज द ब्रेक टू दॉल बर्नॉलेट दायनोमल पता नहीं भावना होगा समझो तो दैट सिंगल ट्रायल पहले पूरे दिन में शानू ने पहले एक बार टॉस हर बार टॉस करती वो बर्नॉली ट्रायल होती पूरे दिन में दस टॉस कर रही है तो दस मतलब एंड ट्रायल्स हो गई तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बाइनोमियल अब उसमें से कितनी ट्रायल फिक्स होगी 10 अब बताओ सक्सेस हेड कितने आ सकते हैं जीरो वन टू मैक्सिमम टेन आ सकते हैं ना तो सक्सेस इज रैंडम वेरिएबल ट्रायल्स आर फिक्स्ड अरे ये बात भी याद रखने वाली है बेटा सक्सेस कीप्स ऑन चेंजिंग